नहीं कुछ नहीं दूंगा समय में, एक मिनट का समय नहीं दूंगा सर। अब आप मुझे ये बताइए, आप काम करवा रहे हो राइट, और आप पैसे नहीं दे रहे हो सालों साल, क्या ये एक मॉडल स्टेट की निशानी है? अरे आप तो ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति मध्य प्रदेश में क्यों बन गई कि आप जो है काम तो करवा रहे हो पर पैसे नहीं दे पा रहे हो। अरे भाई मेरे सर, पैसा कहाँ गया? एक्चुअली सर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही पूछा हमने सर। एक्चुअली क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही 131 नंबर बता रहे हैं उसमें पूछा है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है मध्य प्रदेश का, जिसके करके लोगों को बार बार पिटीशन में आना पड़ रहा है कि साहब ये देखिए हमसे काम करवा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे। नोट दिस पिटीशन अंडर मालूम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द बिल मालूम अंडर द सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना मालूम जी ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीस मालूम 298,000 मालूम। हां नोट देयर इज अ सिमिलर मैटर दैट इज एट सीरियल नंबर 121 मालूम इन द स्टेट हैज कहां लिखा है सर कि पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे पा रहे हैं? यस मालूम दैट सेम इशू मालूम कहां लिखा है इसमें सर कि पैसा नहीं है डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि पैसा नहीं है जी। आपके इसमें नहीं लिखा है, इसमें तो आपको या तो आर्बिट्रेशन में चाहिए अगर है जी, नहीं तो सिविल सूट में चाहिए। जस्ट टू डिसाइड आवर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन का डिसाइड करना, ये कब का है सर, कब का पैसा है आपका? 2019 हाँ, 2019 का है जो केस आप रिफर कर रहे हैं ना जी, उनमें ये लिखा हुआ कि बजट नहीं है इसलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे। तब हमने पूछ लिया कि भैया बजट नहीं है तो बताओ क्या है। अच्छा कौन सा नंबर है? आइटम नंबर 121 मतलब दैट इज लिस्टेड इन, इसमें तो आपको सिविल सूट पे जाना पड़ेगा। अच्छा 121 को 1 बजे ले लो। इसमें सर हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आए थे कि चलिए क्या सर कि वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में 30% कोई सर जो सूरज धारा स्कीम और जो दोनों स्कीम की बात करते हैं अन्नपूर्णा, इसमें मतलब 5 करोड़ रुपए और 76 लाख अलग अलग दोनों स्कीम में मतलब डिसबर्स हो गए। तो मेरे भाई अगर हम इनको सिविल सूट की डायरेक्शन भी दे दें तो इसका मतलब थोड़ा क्या पैसा नहीं देना चाहते? नहीं नहीं हम तो, हाँ, हम एग्जामिन करेंगे इंडिविजुअली सारे के पैसे रिलीज हो गए। आप तो पहले बताओ कि आपकी परिस्थिति ऐसी या दुर्गति क्यों बनी कि यहाँ पे बाढ़ आ गई कि सब पैसे नहीं दे रहे? तो एक दो केसेस में तो समझ में आता है ना, ये दुर्गति क्यों बन गई सर, बस ये तो मैंने पूछा था। के लिए तो सर ये है कि थोड़ा था क्या थोड़ा ये पैसे तो डिसबर्स करके अब इंडिविजुअल। अरे आप तो ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति मध्य प्रदेश में क्यों बन गई कि आप जो है काम तो करवा रहे हो पर पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो वो बताइए ना क्यों बन गई सर। उसके इसमें इतना ही तो पूछा है सर, उसके इसमें थोड़ा था समय। क्या समय? नहीं नहीं समय तो नहीं दूंगा सर, समय पहले दे चुका सर। उसमें एक्चुअली क्या था सर कि वी आर अभी 1 बजे लेंगे तब सुनेंगे ना, 40 मिनट है सर। या तो आप जवाब तैयार कर लो, नहीं तो फिर वो आजकल वो छोटा प्लान भी चलने लग गया है सर। उसमें अरे छोटा प्लान चल रहा है कि नहीं? यार रोज पेपर में छपवाते हो फोटो पेपर प्लेन के साथ कि हमने छोटा प्लान चालू कर दिया है, अब आप पूरे मध्य प्रदेश में मिनटों में कहीं भी जा सकते हो, तो PSB तो मिनटों में आ सकता है सर? नहीं आ सकता तो उसमें अनुरोध नहीं, नहीं, नहीं आ सकता तो बताओ ना। नहीं उसमें अनुरोध ये था कि भाई साहब हमने ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप हमसे अनुरोध कर रहे हैं और अनुरोध में ही सारा जो है काम अटका पड़ा है, पैसा कहाँ गया ये तो बताओ। तो ये एक्चुअली जो सप्लाई और अरे भाई मेरे सर, पैसा कहाँ गया? एक्चुअली सर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही पूछा हमने सर। एक्चुअली क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही 131 नंबर बता रहे हैं उसमें पूछा है पैसा कहाँ है। सर पैसा एक्चुअली जो था रिलीज होके रीएलोकेट होके, पैसा कहाँ है मध्य प्रदेश का जिसके करके लोगों को बार बार पिटीशन में आना पड़ रहा है कि साहब ये देखिए हमसे काम करवा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं।
तो पैसा कहाँ, ये प्रश्न है सर, तो बता दो ना तो उसके लिए थोड़ा समय, कितना समय सर? एक हफ्ते का समय? नहीं कुछ नहीं दूंगा समय, में एक मिनट का समय नहीं दूंगा सर। अब आप मुझे ये बताइए, आप काम करवा रहे हो राइट, और आप पैसे नहीं दे रहे हो सालों साल, क्या ये एक मॉडल स्टेट की निशानी है? अगर आप ये कहें सर इसमें डिस्प्यूट है, समझ में आता है, आप कहें सर देना तो है पर मैं ठन ठन गोपाल हूं, बहुत अच्छी बात है सर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा नहीं है अच्छी बात है। कहां गया एग्रीकल्चर भूल जाइए, पीडब्ल्यूडी भूल जाइए, सब भूल जाइए, मात्र फाइनेंस के ऊपर आप ध्यान रखिए। अच्छा सर आप लोगों की तनख्वाह कितने साल से कितने महीने से मिल रही है या नहीं मिल रही है बताओ, हर महीने मिलती है कि नहीं मिलती? पिछले साल का कोई एरिया है क्या, पिछले महीने को छोड़ के? क्या अभी नहीं है? नहीं है, जब आपको रेगुलर मिल रहा है तो इन्हें क्यों नहीं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सरकार आपसे भी काम करवा रही है, इनसे भी काम करवा रही है, आपको तो तनख्वाह रेगुलर मिल रही है, इनको पैसे नहीं दे रहे, क्यों सर? इसमें पैसे कहाँ गए सर? अब हर डिपार्टमेंट में सर आप बता नहीं रहे हो सर, उसके लिए भाई साहब अगर ऐसी जगह खर्च कर रहे हो जो बता नहीं सकते तो ऐसा बता दो कि सर हम बताने लायक स्थिति में नहीं है कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, बोल दो ना, हम नहीं पूछेंगे। कारण क्या है कि गवर्नमेंट कहां क्या क्या कर रहती है सर, उसमें एज पर दी रिक्वायरमेंट थी, मेरे भाई यूज्ड टू अलॉट दी बजट। देखो सीधा सीधी सी बात करो मेरे सामने, आप जितना घूमोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप तो इतना बताओ कि सर हम ऐसे जगह पे खर्च कर रहे हैं जो हम बता नहीं सकते, हम आपसे नहीं पूछेंगे, आई एम गिविंग अ गारंटी, क्योंकि मुझे कोर्ट के लिमिटेशंस मालूम है, मुझे कहां तक जुडिशियल रिव्यू में जाना है वो मुझे मालूम है। आप बोल दीजिए कि सर हम ऐसी जगह पे पैसे खर्च कर रहे हैं जो हम नहीं बता सकते, कुछ नहीं पूछूंगा, राइटिंग में लिख दूं क्या, सर्टिफाइड कॉपी दूं तब बोलोगे? तो और अगर ऐसी जगह खर्च कर रहे हो जिसका क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, ये फिर एक और प्रश्न आएगा, कहाँ कर रहे हो पैसे खर्च? सर हर डिपार्टमेंट में हर स्कीम में सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ आपने, अरे मेरे भाई ये बताइए, लाइटर साइड में बच्चे को पैसे की जरूरत होती है तो वो पिता या माँ से मांगता है ना, बिकॉज दे आर दी कस्टोडियंस, बिल्कुल। तो आप फॉर द टाइम बैंक पूरे डिपार्टमेंट्स को बच्चे समझ लीजिए और पिता या माता फाइनेंस को समझ लीजिए, तो हर डिपार्टमेंट फाइनेंस ही मांगता है राइट, तो अब डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंच नहीं रहा, अब बच्चे को अगर आप 5 रुपए नहीं देंगे तो लॉलीपॉप कहां से खरीदेंगे? तो प्रश्न अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि आप इनको पैसा दे क्यों नहीं रहे? सर होता क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मांगे किसी खर्च के, अरे तो अरे भाई साहब डिपार्टमेंट असेस करता है कि भाई साहब उसको 30 देना है कि 50 देना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे हैं, सीधी बात बताओ आपके पास पैसे हैं सर? अगर आपने सुनी, अगर आपने ज्यादा दाएं बाएं किया तो मैंने आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स बुलवा लिए। नहीं सर मैं, अगर आपका जो मेरा जुडिशियल रिव्यू का अगर मेरा कितना पावर है उसकी मैं ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, तो आप ज्यादा पर्दे भी मत डालिएगा, नहीं तो लिफ्टिंग ऑफ वेल का प्रिंसिपल भी मैं जानता हूँ राइट। नहीं सर मैं, तो आप सब बस सीधे सीधे से जवाब दीजिएगा, मैं तो पंगे में बिल्कुल नहीं डालना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद को मैं खुद को आप एक बजे जवाब दीजिएगा और अगर कहीं खर्च कर रहे हो तो बोलो ना, कंके की चोट पे सर। उसमें जो
अभी सर हमारा एंडेवर ये था, अरे एंडेवर छोड़ो, सब लोगों को जो, अरे नहीं भाई उसके लिए हमने पैसा, एंडेवर छोड़ो, एंडेवर छोड़ो, अगर आपका एंडेवर ये है, हो सकता है कि मैं सारी पिटिशनें अलाउ करके 24% इंटरेस्ट लगा दूं, क्योंकि एमएसएमई वाला इंटरेस्ट लगाऊंगा मैं एमएसएमई वाला इंटरेस्ट लगाऊंगा, मुझे नहीं मालूम है कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कौन क्या है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, राइट, आपने उनके चार चार पांच पांच साल से पैसे रोक रखे हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन टू देयर वर्क, और आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर कहते हैं कि हम ऐसा और वैसा, ठीक है सर एमएसएमई में है ना सब प्रोविजन, किस एक्सटेंट तक इंटरेस्ट जाएगा वही इंटरेस्ट लगा दूंगा, आर यू रेडी, और अदरवाइज कम विद अ क्लियर स्टैंड के साथ हमने यहाँ यहाँ खर्च किए, एंड देन बी रेडी कि भाई कहाँ कहाँ खर्च किया उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सर, मैं अरे आप 1 बजे देखेंगे ना, मैं, अरे यार 1 बजे तक देखेंगे ना, 1 बजे से देखेंगे ना, मैं अरे यार तब तक इंतजार करो ना, इंतजार कर लेता, इंतजार की घड़ी अच्छी होती है सर।